लोकसभा चुनावों के दौरान आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी और अपने जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। अपर्णा के इस कदम पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई थी और उन्होंने कम शब्दों में करारा जवाब दिया था। सपा अध्यक्ष से पत्रकारों ने अपर्णा यादव को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने बात को पूरी तरह घुमा दिया था। पत्रकारों ने जब उनसे फिर सवाल किया था तो वो एक बार फिर कहीं का जवाब कहीं देते दिखाई दिए थे। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि अपर्णा यादव ने आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, इसके जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं। वहीं जब उनसे दोबारा ये सवाल किया गया तो वो फिर सवाल को टालते दिखे थे। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा मुखिया और जेठ अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद से उन्हें अब तक बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। विधानसभा में किसी सीट से प्रत्याशी बनाए जाने का अनुमान भी धरा रह गया था और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया था। अपर्णा यादव की राजनीतिक सक्रियता पर उनकी जेठानी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। मीडिया से बातचीत में जब उनसे अपर्णा को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अपर्णा यादव पहले भी बीजेपी के नेताओं से मिली हैं और अब भी मिल रही हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि कोई किसी से भी मुलाकात कर सकता है। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे किसान और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हम सब अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं। जहाँ वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकताओं की बात करी और कृषि को जहाँ पहला स्थान दिया गया, वही मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। जहाँ यह कहा गया था कि 2024 तक आप किसान की आय दुगनी कर देंगे, 22 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, और जहाँ MSP का वादा किया गया था, तो मैं पूछना चाहूँगी कृषि मंत्री से कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट या सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी है? और अगर किसान की जरूरतमंद जैसी चीजों पर क्या यह सरकार ने कोई भी GST माफ करी है, या खाद में सब्सिडी देने में सरकार कायम रह पाई है? और जहां खुद प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में और उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि वो आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे, तो क्या इस आवारा पशुओं की जो समस्या है जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है, तो क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया है इस समस्या को लेके? इसी के साथ जहाँ किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटों द्वारा, हम पूछना चाहते हैं सरकार में, इस सरकार से, कि जहाँ जो 2014 से 22 तक लगभग 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है। यह सरकार लगातार एक दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है। गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। और जहां मनरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट दिया है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए और लगभग 20% मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। इसी के साथ शिक्षा बजट में भी लगातार हमारा घट रहा है, जहां यह केवल आज 2.5% है ऑफ द टोटल बजट स्पेंडिंग एलोकेशन,
और जहां यूनेस्को ने ये बेंचमार्क दिया है कि लगभग यह 4 से 6% तक होना चाहिए, वही यूजीसी के फंड्स लगातार घटाए जा रहे हैं और इसको लगभग इस बार 7 से 61% घटा दिया गया है। जहां हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की, वहीं यह सरकार लगातार शिक्षा बजट में बजट जो कम कर रही है, तो मैं समझती हूँ इनकी नीयत कहीं साफ नहीं है, मंशा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडेंट्स के प्रति। वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है, जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है। तो मैं समझती हूँ जो वादे किए गए थे जो रोजगार को लेके, सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। जहां आज यह बेरोजगारी दर 9.2% है और जहां महिलाओं का बेरोजगारी दर 18.5% है, तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है। और अग्निवीर जैसी योजना ला के इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का, सम्मान गिराने का काम किया है। जो सरकार सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन आज भी यह सरकार जातिगत जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे है। और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है। और जहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था, तो इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। वहीं आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग 1.9% ऑफ GDP आज का खर्चा ये बजट दे रही है स्वास्थ्य के लिए। स्पीकर महोदय, देयर इज नो फोकस एजेंडा फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वी आर स्पीकिंग अबाउट इंडिया बीइंग द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इफ यू सी द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सो 1.9% of the budget is very less for the health services of the country. Sir, decision to exempt 3 cancer drugs is a welcome move by the finance minister, but it is a very small step in the right direction. Sir, ma'am, hamare Uttar Pradesh mein Lucknow mein ek cancer institute jisme lagbhag 1000 crore rupaye lage hain woh taiyar hai, lekin na kendra ki sarkar ना स्टेट की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सुचारू रूप से वो कैंसर इंस्टीट्यूट चल सके, क्योंकि कैंसर के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये कैंसर इंस्टीट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे। मैम, देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई in the healthcare center, in the healthcare infrastructure. The doctors, the nurses, the technicians, in sab ki bahut bhari kami hai. Aur jo bade bade vaade kar rahe hain aur jo badi badi baatein kar rahe hain ki humne bahut bade bade aims bana liye hain, medical colleges bana liye hain, lekin 100% tarike se koi bhi medical college ya aims sucharu roop se pradesh mein nahi chal pa rahe hain. क्योंकि भारी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, इसी के साथ जो टीचिंग फैकल्टी में भी भारी टीचर्स की कमी है। सर, जो सरकार कुपोषण के बारे में बात कर रही थी, जो भारत को अनीमिया मुक्त बनाने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए हैं। आपने जो वादे करे थे लोगों को, आपने सारे वादे जनता के साथ वादों को तोड़ने का काम किया है। सर, जहां आप जीडीपी की बात करते हैं, जहां आप थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है।
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उसमें भी समय सीमा तय होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी समय सीमा निर्धारित हो, क्योंकि यह टैक्स का मनी है, ये जनता का पैसा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैम 2 मिनट्स आई विल टेक। मैम यह जनता का पैसा है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सो इसी मैम इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि रिफॉर्मेटिव एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस कैन कम इन द कंट्री इवन आफ्टर 11 ईयर्स, बट द डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। नथिंग कैन ऑल्टर द पास्ट बट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय द गवर्नमेंट, एंड आई एम नॉट प्लेइंग अ ब्लेम गेम हियर, आई एम सेइंग अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर is the behavior in which we are responding to the present situation, and if the government plays a responsible behavior, then formative changes can come in the country. Thank you, speaker. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।